वहीं स्वास्थ्य विभाग की नर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर झज्जर के नागरिक अस्पताल में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। नर्स यूनियन की जिला प्रधान अंजू ने कहा कि नर्स कर्मचारी लगातार 25 साल से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। हमारी मुख्य मांग है कि नर्स कर्मचारियों को केंद्र के समान रिस्क अलाउंस दिया जाए और नर्स कर्मचारियों को बी ग्रुप कैटेगरी की श्रेणी में शामिल किया जाए। इन दोनों मुख्य मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक नर्स कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और जिसके विरोध में आज 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे की हड़ताल कर्मचारियों द्वारा की गई है। और अगर आज भी सरकार ने नर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया तो उसके बाद जो नर्स कर्मचारी है वो कोई और ठोस फैसला सरकार के खिलाफ ले सकती है। हमारी पिछले काफी टाइम से 2 ही मांगे मेन, तो पिछले 24-25 साल से हम नर्सिंग अलाउंस के लिए डिमांड कर रहे हैं। दूसरा हमारा ग्रुप बी में शामिल करने के लिए डिमांड है, जिसका हम निरंतर सरकार से अपनी मांगे रख के पूरा कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे देखिए, आज तो हमारा स्ट्राइक का है 9 से 11 बजे तक, और जिसमें कि हमने कैजुअल्टी और LR चालू रखा है, इमरजेंसी सर्विसेज हमने बंद नहीं करी हैं। लेकिन आज की स्ट्राइक के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो हम कोई ठोस कदम लेने की स्थिति में आ जाएंगे। आज शाम को हमारी हरियाणा नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग है, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि हम इसी संडे को करनाल का घेराव करें CMCT का, हो सकता है कि हम फुल ऑन स्ट्राइक।